नमस्कार, आज हम बात करेंगे 12 और 13 फरवरी के मौसम के अपडेट के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच सर्दी का भी सितम जारी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की माने तो अगले 48 घंटे में प्रदेश के लगभग जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान आकाशीय बिजली की भी प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि हिमालय की तराई से होकर गुजर रही पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के माने तो बारिश को लेकर जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है, तो वहीं कोहरे को लेकर भी जारी अपडेट में यह कहा गया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे रहने की संभावना जताई गई है। तापमान को लेकर जारी बदलाव में यह कहा गया है कि अगले दो दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं 12 और 13 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 12 फरवरी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की बात कही गई है, तो वहीं पर न्यूनतम तापमान जो है 8 से 10 डिग्री रहने की बात कही गई है। जबकि 13 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 20 से 22 डिग्री रहने की बात कही गई, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार की बात कर ले तो इसके तहत आने वाले जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 12 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 20 से 22 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो वहीं पे अगर हम न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 8 से 10 डिग्री रहने की बात कही गई है। 13 फरवरी के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो यह 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो यह 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 12 फरवरी का अगर हम अधिकतम तापमान देख लें तो 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। जबकि इन्हीं जिलों में अगर हम न्यूनतम तापमान देख लें 12 फरवरी का तो वो 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम 13 फरवरी के अधिकतम तापमान की बात कर लें इन जिलों की तो वह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम इन्हीं जिलों के 13 फरवरी के न्यूनतम तापमान की अगर हम बात कर लें तो वह जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों को अगर हम देखें तो उसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल के 12 फरवरी का अगर हम अधिकतम तापमान देखें तो वह 20 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं पर अगर हम इन जिलों के न्यूनतम तापमान की अगर हम बात कर लें तो 6 से 8 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 13 फरवरी के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो अधिकतम तापमान जो होगा वह 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। और इन्हीं जिलों के अगर हम न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो यह 8 से 10 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों को देखें तो इसके तहत पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 12 फरवरी का अधिकतम तापमान जो होगा वह 22 से 24 डिग्री का होगा। और वहीं जो इन्हीं जिलों के न्यूनतम तापमान जो होंगे वो 10 से 12 डिग्री के होंगे। अगर हम 13 फरवरी का अधिकतम तापमान को देख लें तो यह 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों के जो है न्यूनतम तापमान जो है वो 8 से 10 डिग्री रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो इसमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का जो है अधिकतम तापमान यानी कि 12 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 24 से 26 डिग्री रहने की बात जो है वह कही गई है। जबकि इन्हीं जिलों की अगर हम न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो वह 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम 13 फरवरी के अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 13 फरवरी का जो अधिकतम तापमान होगा इन जिलों का वह है 24 से 26 डिग्री। अगर हम इन्हीं जिलों के न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो वह जो है 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि तापमान में जो है किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ठंडी हवाओं का प्रकोप है और पछुआ हवा चलने के कारण जो है अभी इस महीने राहत की बात नहीं कही गई है। वहीं कहा गया है कि दिन का तापमान जो है वह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, लेकिन रात में जो है हमें ठंड जरूर सताएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।